हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया में और मैं हूं आपके साथ आरती। भोजपुरी इंडस्ट्री में आज के समय में निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव का नाम जो है बड़ी शान के साथ लिया जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्मों में निरहुआ ने काम किया है और उन्हें लोग प्यार से निरहुआ कहते हैं, जबकि उनका असली नाम तो दिनेश लाल यादव है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी कामयाबी का परचम लहराने के बाद उन्होंने अपना हाथ राजनीति में भी आजमाया, जहां पर वो कहीं ना कहीं ढीले पड़ गए। जी हाँ, राजनीति में तो उनका परचम लहरा नहीं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के तो वो राजा माने जाते हैं। आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में निरहुआ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे, साथ ही साथ उनकी जिंदगी के उस दर्द भरे राज से भी पर्दा उठाएंगे जिसे कहीं ना कहीं आप नहीं जानते होंगे, और उनकी ये कहानी सुनकर आपको भी काफी ज्यादा हैरानी होने वाली है। तो चलिए फिर आपको बताते हैं कैसे दिनेश लाल यादव से वो निरहुआ बने, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी और कैसे वो बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर भी पहुंचे और उसके बाद उन्होंने राजनीति में अपना हाथ आजमाया। तो डालिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट पर नजर। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में निरहुआ का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब निरहुआ जो है वो काफी ज्यादा दुख परेशानी से गुजर रहे थे। दरअसल आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में निरहुआ की पूरी कहानी सुनाएंगे, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और कैसे उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जिन्हें जीवन में कामयाबी पर पहुंचने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निरहुआ का जन्म 2 फरवरी 1979 को गाजीपुर में हुआ और दिनेश लाल यादव जो कि अब राजनीति से भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि निरहुआ जब यूपी के गाजीपुर के टंडवा गांव में रहा करते थे तो जीवन उस समय उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। वो चकाचौंध की दुनिया से दूर एक गरीब किसान के साधारण से लड़के थे, मगर उस समय से ही निरहुआ को फिल्में देखने का काफी ज्यादा शौक था। दरअसल आपको बता दें कि निरहुआ ने खुद अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उनके पिता जो थे वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इस वजह से घर में निरहुआ को फिल्में देखने की अनुमति नहीं थी, मगर इसके बावजूद भी वो फिल्म देखने में काफी ज्यादा रुचि रखते थे और इसके लिए वो घर से बाहर जाके फिल्में देखा करते थे। और आज उन्होंने अपना ये मुकाम हासिल कर लिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग बड़ी ही अदब के साथ उनका नाम लेते हैं। इसके अलावा एक समय ऐसा भी आ गया था जब निरहुआ के घर में इतनी ज्यादा पैसों की कमी हो गई थी कि उन्हें पिता के साथ घर छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ा था। इस दौरान उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। निरहुआ अपने पिता और भाई के साथ छुट्टी में भी रहने लगे थे। निरहुआ की फिल्मों में अभिनय करने और गाने के लिए उनके चचेरे भाई विजय लाल यादव का उन्हें खूब साथ मिला। विजय खुद एक गायक थे और दिनेश की कला से वो काफी ज्यादा प्रभावित थे। निरहुआ के भाई विजय ने ही उनका काफी ज्यादा साथ भी दिया था। निरहुआ की माँ ने भी एक बार इंटरव्यू में कहा था कि निरहुआ को बचपन से ही गाने का शौक था। जब निरहुआ बहुत छोटा था उस दौरान भी वो भैंसिया की पीठ पर बैठकर जोर जोर से गाने गाया करता था। निरहुआ के गाने तो लोगों के बीच अब काफी ज्यादा पॉपुलर है ही। इसी के साथ फिल्मों की बात की जाए तो निरहुआ ने चला लंदन, निरहुआ हिंदुस्तानी, पटना से पाकिस्तान, निरहुआ रिक्शा वाला और राजू बाबू समेत तमाम बढ़िया फिल्मों में काम भी किया है। साथ ही साथ निरहुआ जो कि बिग बॉस के पैच साथ ही साथ निरहुआ जो कि
बिग बॉस के घर में भी जा चुके हैं, वहां से भी उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई है। तो निरहुआ के लिए इतना भी आसान नहीं था कि चुप्पी से उठकर वो इतने बड़े बिहार के सुपरस्टार बन जाए। तो देखा आपने, एक समय ऐसा था जब निरहुआ के घर में पैसों की इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई थी कि उन्हें अपने भाई और अपने पिता के साथ झुग्गी का भी सहारा लेना पड़ा था। जी हाँ, कलकत्ता में वो झुग्गी में रहने को मजबूर हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, अगर कोई मेहनत करना चाहता है तो उसका साथ खुद ऊपर वाला देता है। और कहीं ना कहीं निरहुआ के ये भाई उनके लिए भगवान ही साबित हुए। निरहुआ के इस भाई की वजह से आज दिनेश लाल यादव, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करते हैं, एक से बढ़कर एक गाने इनके सुपर डुपर हिट होते हैं और हमेशा धमाल कमाल करते रहते हैं। भले ही राजनीति में कहीं पीछे रह गए हों, लेकिन बात की जाए इनकी फिल्मों और गानों के बारे में तो वो तो सुपर डुपर हिट है। निरहुआ को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 भोजपुरिया को।